एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने वडोदरा में आगमन करते हुए आज शहर की मुलाकात ली गई, जहां शहर के वाड़ी विस्तार में मराठा मंदिर पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करते हुए महाराष्ट्रीयन समाज के लोगों को संबोधित किया था। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज वडोदरा के मेहमान बनते हुए शहर में आगमन किया था, तो वहीं वडोदरा में आगमन करने के साथ एनसीपी सुप्रीमो वैसे शरद पवार का भव्य स्वागत सत्कार किया गया, जहां आज शहर के वाड़ी विस्तार में मराठा मंदिर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन करते हुए एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के हाथों ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से मराठी भाषा में ही संबोधित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र समाज के लोगों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने बताया था कि आप गुजरात में रहते हो, गुजराती भाषा को मान दो, लेकिन साथ ही अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करें। आज सुबह हरणी एयरपोर्ट से वडोदरा में आगमन किए वैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का मल्हार महासंकांत महामंडल के अग्रणी द्वारा भव्य स्वागत सत्कार ढोल नगाड़ों के साथ किया गया, जिसके बाद आयोजन स्थल वाड़ी खिड़कर फलिया स्थित मराठा मंगल कार्यालय पर शरद पवार द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़, श्रीमंत महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, महारानी राधिका राजे गायकवाड़ तथा संस्था के प्रमुख और पूर्व मेयर रणजीत सिंह चौहान सहित के महानुभाव उपस्थित रहे थे।